नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे फिल्म रक्षाबंधन की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में। कल रात तक यानी कि मंगलवार रात तक फिल्म कितनी एडवांस बुकिंग पूरे देश भर से प्राप्त कर चुकी थी और इस एडवांस बुकिंग के आधार पर फिल्म कल अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर सकती है, इसके बारे में आज का वीडियो है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिल्म रक्षाबंधन को करीब पूरे देश भर से मतलब कल रात तक 2.01 मतलब 2 करोड़ रुपए की मान लीजिए आप 2 करोड़ रुपए की ग्रोस एडवांस बुकिंग प्राप्त हो चुकी है। और दोस्तों इसका भी अगर ग्रोस कलेक्शन नहीं देकर के नेट कलेक्शन देखे तो करीब 1.60 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन इस फिल्म को अब तक प्राप्त हुआ है, तो बहुत ही कम है, मतलब उम्मीदों से बहुत ही कम है ये एडवांस बुकिंग। और दोस्तों इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग भी मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं कि ये जो 2 करोड़ 1 लाख की जो इसको एडवांस बुकिंग मिली है ये इंक्लूडिंग ब्लॉक सीट्स है। अगर ब्लॉक सीट्स को आप इंक्लूड नहीं करते हो तो ये एडवांस बुकिंग 69.3 लाख रुपए की होती है। ब्लॉक सीट्स का मतलब जिसको आप ऑनलाइन बुक नहीं करा सकते, थिएटर्स में जाके ही बुक करा सकते हैं। दोस्तों जहां तक इस फिल्म की एवरेज टिकट प्राइस की बात करें तो 212 रुपए है, जो कि काफी अच्छी कही जा सकती है। वहीं दोस्तों अगर टोटल टिकट सेल आउट की बात करें तो 28,557 टिकट्स इस फिल्म की अब तक बिक चुके हैं, जो ठीक ठाक कही जा सकती है। बात करें मेट्रो सिटीज की तो मेट्रो सिटीज में मुंबई में फिल्म को 29.09 लाख रुपए का कलेक्शन प्राप्त हो चुका है। 435 शोज मिले हैं, काफी अच्छे शोज है। 9% थिएटर ऑक्युपेंसी है, 7 शो हाउसफुल हो चुके हैं और 14 शो फास्ट फिलिंग है। बात करें दिल्ली एनसीआर की तो वहां पे 37.62 लाख रुपए फिल्म को प्राप्त हो चुके हैं। 10% थिएटर ऑक्युपेंसी है, 477 शोज है वहां पे, काफी अच्छी संख्या में शो वहां पर भी है। 1 शो मतलब इसका फुल हो चुका है और 42 शो मतलब फास्ट फिलिंग है। वहीं दोस्तों बात करें पुणे की तो पुणे से 9.94 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग प्राप्त हो चुकी है। 9% थिएटर ऑक्युपेंसी है, 187 शोज वहां पर है, 1 शो फास्ट फिलिंग है और 1 शो हाउसफुल है। बात करें हैदराबाद की 9.31 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग प्राप्त हो चुकी है। 17% थिएटर ऑक्युपेंसी है, काफी अच्छी कही जा सकती है। 100 शो है वहां पे, 7 शो हाउसफुल हो चुके हैं और 29 शो फास्ट फिलिंग है। वहीं दोस्तों बात करें चेन्नई की 6.3 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग प्राप्त हुई है। 27% थिएटर ऑक्युपेंसी है, 59 शोज वहां पे मिली है, 2 शो फुल है और 37 शो फास्ट फिलिंग है। तो दोस्तों अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार जिनकी पिछली 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो चुकी है बल्कि डिजास्टर साबित हो चुकी है, बच्चन पांडे तथा सम्राट पृथ्वीराज, तो वो एक इतनी शानदार इमोशनल फिल्म लेके आए। जैसे कि कुछ रिव्यूज आए उसके अनुसार फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, फिल्म के गाने बहुत ही हार्ट टचिंग है, मतलब दिल को छू लेने वाले गाने, मधुर संगीत है और इतनी अच्छी फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर होने के बावजूद फिल्म की ये एडवांस बुकिंग की उम्मीद तो शायद अक्षय कुमार को भी नहीं होगी। इससे ज्यादा एडवांस बुकिंग तो शायद मेरे हिसाब से शमशेरा को भी मिल चुकी थी और बुलबुलैया 2 से तो कहां इसको कंपेयर करें। तो इतनी कम एडवांस बुकिंग क्यों आ रही है? क्या इसका कारण भी बॉयकॉट जो रक्षाबंधन चलाया जा रहा है वो है? क्योंकि फिल्म की जो राइटर है कनिका ढिल्लो, उसके जो ट्वीट्स थे हिंदू विरोधी ट्वीट्स थे, उन ट्वीट्स के ऊपर काफी कड़ी प्रतिक्रिया देखी गई थी और कुछ बयान अक्षय कुमार के भी जो पिछले कुछ बयान थे वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों दोनों ही फिल्मों को, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा तथा बॉयकॉट रक्षाबंधन को, इस अभियान से नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये हकीकत है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हकीकत है। कई लोगों ने इस अभियान को बहुत ही हल्के में लिया था और मजाक भी उड़ाया था। अक्षय कुमार ने भी इस पर यही टिप्पणी की थी कि ऐसे अभियान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस अभियान को बहुत ही हल्के में लिया गया, लेकिन इस अभियान का असर साफ साफ देखा जाएगा और देखा जा रहा है। जैसे कई वर्षों से अभियान चल रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड, उसका असर आपने देखा ही होगा, वरना बॉलीवुड की एक के बाद एक फिल्में डिजास्टर साबित नहीं होती। इस साल केवल 2 फिल्में सुपर हिट कर लीजिए, ब्लॉकबस्टर कर लीजिए, जिसमें एक द कश्मीर फाइल्स और दूसरी बुलबुलैया 2। उसके अलावा आप मेरे को एक भी फिल्म का नाम बता दीजिए जो इस साल हिट हुई है। बॉलीवुड फिल्मों की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और साउथ की फिल्में आती है, जबरदस्त बिजनेस करती है, सुपरहिट होती है, ब्लॉकबस्टर होती है, नए नए रिकॉर्ड बनाती है, ऐसा क्यों? इसका साफ मतलब है बॉलीवुड का बहिष्कार, बॉलीवुड का बॉयकॉट किया जा रहा है, दर्शकों में बॉलीवुड के प्रति नाराजगी है। बॉलीवुड वालों को ये नाराजगी दूर करनी पड़ेगी, उन्हें भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार फिल्मों में दिखाना होगा। किसी भी धर्म का, किसी भी सभ्यता संस्कृति का उपहास फिल्म में नहीं बनाया जा सकता। देश के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते, देश के खिलाफ अगर आप बयान देते हो तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर देखने को मिलेगी, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, ऐसा मैं आपको कहने जा रहा हूं। तो यहाँ पर भी बॉयकॉट रक्षाबंधन का जो अभियान चलाया जा रहा है वो डेफिनेटली नजर आ रहा है। एडवांस बुकिंग तो कम से कम यही कह रही है। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अब जो अभी तक की जो एडवांस बुकिंग मिली है और आज का दिन शेष है, तो आज ज्यादा से ज्यादा फिल्म 2 करोड़ रुपए की और एडवांस बुकिंग मेरे हिसाब से प्राप्त कर सकती है। तो एडवांस बुकिंग होती है करीब 4 से 5 करोड़ रुपए, तो इसका मतलब फिल्म ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 करोड़ रुपए की ओपनिंग अपने फर्स्ट डे को लेने वाली है।
अभी मेरा ये प्रिडिक्शन है, लेकिन मैं फाइनल प्रिडिक्शन आपको अपने जो शाम को वीडियो बनाऊंगा जिसमें लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दोनों के साथ में कंपेयर भी करूंगा, तो उसमें फाइनल प्रिडिक्शन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि तब तक फिल्म के बारे में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तो मतलब इसका कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 करोड़ रुपए का मैं मतलब पहले दिन का मान के चल रहा हूँ, और अगर आज अच्छी एडवांस बुकिंग मिल जाती है फिल्म को, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा मिल जाता है, तो फिर फिल्म का कलेक्शन बढ़ सकता है। देखते हैं क्या होता है आगे, क्या क्या होता है, दोनों फिल्मों के बारे में मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। और दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में और इस अभियान के बारे में, आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।